हाँ, डिसम्बर क्लास 12 चैप्टर मैट्रिसेज। तो इस एक्सरसाइज में देखेंगे इसका एक्सरसाइज 4.2 और इंट्रोडक्शन भी कुछ। तो चलिए, फर्स्ट टॉपिक क्या है? एडिशन ऑफ मैट्रिसेज। अब दो मैट्रिक्स दिए हुए रहेंगे तो हम उसको कैसे ऐड करेंगे, तो क्या रूल क्या है? कुछ सिंपल है, बस कंडीशन याद रखना है। कंडीशन क्या है कि दो मैट्रिक्स को हम ऐड करें, सेम ऑर्डर होना चाहिए, 2:2 या 3:3 ऐसा रहेगा तभी हम ऐड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल से समझें, 1, 2, 3, 4 एक मैट्रिक्स है, इसको मुझे ऐड करना है दूसरा मैट्रिक्स से, तो 5, 6 उसका एलिमेंट है 5, 6, 7, 8। तो सिंपल ऐड कर दीजिए, 1 और 5 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना है। तो इसका ये देखिए, a11 यहाँ भी a11, तो यही कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना है। 1 और 5, 6 2 और 6, 8 3 और 7, 10 4 और 8, 12 ये ऐड हो गया। अगर ऐसा रहता, 1, 2, 3, 4 प्लस 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये रहता। देखिए यहाँ पे ऑर्डर क्या था, 2:2, यहाँ भी ऑर्डर क्या था, 2:2, सेम ऑर्डर था, इसलिए हम ऐड किए। तो ऐड करने पे ऑर्डर भी वही आना चाहिए। यहाँ पे तो ऑर्डर अलग है, यहाँ पे 2:2 है और यहाँ 2:3 है, तो ऑर्डर सेम नहीं होगा, इसलिए ये एडिशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। हम क्या बोलेंगे, एडिशन डजंट एग्जिस्ट। क्लियर? चलिए, तो अब सब्ट्रैक्शन के बारे में देखते हैं। तो सब्ट्रैक्शन में भी वही कंडीशन है, क्या ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो यहाँ कंडीशन लिख देते हैं, कंडीशन क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर। एग्जांपल लेके देखते हैं तो उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। जैसे 1, 2, 3, 4 वही एग्जांपल ले लेता हूँ, बस यहाँ पे प्लस की जगह माइनस ले लेता हूँ। 5, 6, 7, 8 सब्ट्रैक्ट करना है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही सब्ट्रैक्ट करना है। तो 1 में से 5 गया तो -4, 2 -6 -4, 3 -7 -4, 4 -8 -4, तो ये सब में वही आएगा, सेम एलिमेंट है। तो ये भी ऑर्डर इसका 2:2 है, ये 2:2 है, तो सब्ट्रैक्ट करने पे जो रिजल्ट मिलेंगे वो भी 2:2 ऑर्डर का ही रहेगा। चलिए, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। तो इस एडिशन का हम लोग प्रॉपर्टी अब देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। क्या प्रॉपर्टीज है? तो अभी तक हम लोग जो भी पढ़ चुके हैं ना, नंबर सिस्टम में क्लास 7, 8 ये सब में क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, वही सेम है। पहला क्या लेंगे तो कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का एडिशन कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करेगा। क्या था कम्यूटेटिव लॉ? ये ए प्लस बी, अब यहाँ पे ए कोई मैट्रिक्स है, बी एक मैट्रिक्स है, तो ए प्लस बी को ऐड करिए या फिर बी को पहले लिख के ए मैट्रिक्स को लिखिए उसके बाद ऐड करिए, रिजल्ट सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यही है कम्यूटेटिव लॉ। नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या था कि कोई भी दो मैट्रिक्स को हम एक साथ ऐड करें उसके बाद थर्ड मैट्रिक्स को लाएं, या फिर एक मैट्रिक्स को रहने दीजिए, लास्ट का सेकेंड मैट्रिक्स को एक साथ ऐड करें उसके बाद फर्स्ट मैट्रिक्स को ऐड करें, यही एसोसिएटिव लॉ। फिर उसके बाद क्या था, एग्जिस्टेंस था, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी होता क्या है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिस जो हम नंबर में ऐड करें किसी एक नंबर में तो नंबर एज ए रिजल्ट मिल जाए। जैसे टू में क्या ऐड करें कि 2 मिल जाए, तो 0। तो 0 क्या था वहाँ पे, एडिटिव आइडेंटिटी था, किसमें, नंबर सिस्टम में। लेकिन हम मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे एग्जांपल कह लूँ ए प्लस 0 तो क्या मिलेगा, ए। तो ए यहाँ पे नंबर इंडिकेट नहीं कर रहा है, ये मैट्रिक्स ही इंडिकेट कर रहा। कैसा मैट्रिक्स? तो नल मैट्रिक्स। अब नल मैट्रिक्स टाइप ऑफ मैट्रिक्स में मैं ये टॉपिक नहीं बताया था, तो चलिए
नल मैट्रिक्स होता क्या है? ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, जिसका सारा एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, उसको बोलते हैं नल मैट्रिक्स। कोई दिक्कत है नहीं? ठीक है, तो अब ये यही नल मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगा। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो कोई एक मैट्रिक्स लेता हूँ, तो ए मैट्रिक्स में कौन से मैट्रिक्स से ऐड करें कि रिजल्ट क्या मिल जाए? नल मैट्रिक्स। ये क्या है? जीरो नहीं, समझिए, नल मैट्रिक्स का एडिशन। हम लोग क्या प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं? मैट्रिक्स एडिशन का प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। तो जो भी हम यहाँ पे लेंगे, नंबर नहीं ले रहे हैं, मैट्रिक्स ले रहे हैं। ये क्या डिनोट कर रहा है? ये मैट्रिक्स है। ये जीरो क्या डिनोट कर रहा है? नल मैट्रिक्स। तो हम क्या ऐड करें भाई ए मैट्रिक्स में? तो इसी का निगेटिव के साथ। तो ये क्या कहलाएगा? माइनस ए, एडिटिव इनवर्स। ये है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अभी मल्टीप्लिकेशन नहीं देख रहे हैं, ये तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में है। तो क्या हम देख रहे हैं? बाई ए स्केलर, कोई स्केलर से हमको मल्टीप्लाई करें, तो इसी को हम बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो सिंपल है, क्या है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, कोई एक मैट्रिक्स है ए 1, 0, 3, -2। अब कोई एक स्केलर, स्केलर में कोई कांस्टेंट नंबर से मुझे मल्टीप्लाई करना है, जैसे मान लीजिए 2 है, क्या हो जाएगा? था 2 को सबसे मल्टीप्लाई कर दीजिए एवरी एलिमेंट से। 2 × 1 = 2, 2 × 0 = 2, 2 × 3 = 6, 2 × -2 −4। यही है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब मान लीजिए 1/2 से मल्टीप्लाई करें, तो ये हो जाएगा 1/2, 0, 3/2, −2/2 −1। क्लियर हो गया होगा? चलिए इसी पे बेस्ट प्रॉपर्टी देखते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन का। प्रॉपर्टीज किसका? स्केलर मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन ये सारा जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, जब एक्सरसाइज करेंगे तो वहाँ हेल्प मिलेगा। यही सब रूल, ये सब जो हम लोग पढ़ रहे हैं, लोग सीख रहे हैं। देखो दो मैट्रिक्स है एडिशन में, मुझे कोई के स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, के इंटू ए प्लस के इंटू बी, या तो दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लीजिए, उसके बाद स्केलर से मल्टीप्लाई करिए। बात वही कहलाएगा जब हम अलग अलग मैट्रिक्स में के स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड करें। नेक्स्ट, यदि कोई स्केलर के प्लस एल है, कोई एक मैट्रिक्स है, तो ए मैट्रिक्स दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, के इंटू ए, एल इंटू ए। के और एल क्या है? कोई स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मल्टीप्लायर है। नो, के इंटू एल और ए रहा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं के एल इंटू ए, या फिर ए को पहले लिख दीजिए, के एल को बाद में। माइनस के से अगर किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करें, माइनस के स्केलर से इंटू ए, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस को बाहर ले लीजिए, स्केलर लगा दीजिए, उसके बाद नेगेटिव साइन, माइनस से मल्टीप्लाई करिए, बात एक ही चीज़ है। या फिर के इंटू माइनस ए करिए, 1 × a, ये रिजल्ट ए ही देगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टी था स्केलर मल्टीप्लिकेशन का। तो एक्सरसाइज 4.2 का ये ही था इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं एक्सरसाइज, तो नोट कर लीजिए। तो अब एक्सरसाइज 4.2 का देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या करा? कंप्यूट द फॉलोइंग सम, सम निकालना। दो क्वेश्चन है फर्स्ट में, क्या क्या है? 3 − 2 = 1 = 4, ये मैट्रिक्स को ऐड करना है, −2 = 4 = 1 = 3 से ऐड कर दीजिए। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को लेके चलेंगे, तो 3 + −2 तो 1, −2 + 4 = 2, 1 + 1 = 2, 4 + 3 = 7, आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। अब सेकंड में क्वेश्चन में लिख दिया हूँ, ए मैट्रिक्स दिया हुआ बी और सी, तो सेकंड में तीन क्वेश्चन है, तो नहीं सॉरी 4 क्वेश्चन है टोटल, मैं लास्ट का करवा दे रहा हूँ।
ये फाइंड आउट करना है, 3a - 2b + 3c। तो सब वैल्यू मैट्रिक्स पुट करिए, ए का मैट्रिक्स ये है 2 4 3 2 - 2 इंटू बी मैट्रिक्स 1 3 - 2 5 + 3 c, सी मैट्रिक्स है 2 5 3 4। अब स्केलर मैट्रिक्स जान रहे हैं ना, पर अभी आप जान रहे हैं, इसके पहले पार्ट में बताया हूँ क्या था। स्केलर से सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 6 12 9 3 2 6, फिर 2 के साथ सभी मल्टीप्लाई करेंगे 2 6 - 4 10, 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 15 9 4 3 12। आप बोडमास पढ़ रहे हैं ना, तो पहले एडिशन का काम, प्लस इसके सामने प्लस ये दोनों को ऐड करूंगा, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो ये 2 × 2 है, ये भी 2 × 2 है, तो ऐड कर सकता हूँ ये दोनों को, तो 6 में से 6 चला गया 0, 12 + 15 27, 9 और 9 18, 6 12 18। उसके बाद ये मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 6 - 4 10, क्लियर। आप ये भी 2 × 2 है, ये भी 2 × 2 है, तो सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, 0 में से 2 गया -2, 27 में से 6 माइनस करूँगा तो 21, 18 - -4 तो 22, 18 में से 10 गया 8, ये आंसर आ गया। एक बार चेक कर लेते हैं, -2 21 22, ये सही है सेकेंड का फोर्थ। चलिए क्वेश्चन थर्ड में भी कोई एक करवा दे रहा हूँ मैं, क्योंकि सब सेम सिमिलर है, कोई एक क्वेश्चन हो जाएगा तो उसी पे बेस सारा क्वेश्चन हो जाएंगे उसी का। तो थर्ड में ए मैट्रिक्स है 2 3 5 7 एंड बी इज गिवेन -1 0 2 3 4 1, सी मैट्रिक्स भी है, सी है -1 2 3 2 1 0, तो टोटल इसमें दो ही क्वेश्चन है, मैं फर्स्ट करवा देता हूँ या सेकंड, जो भी बोलिए। चलिए ना क्या करते हैं ना, सेकंड कर देते हैं, सेकंड फाइंड आउट करना है कि 2b + 3a फाइंड आउट करना है एंड 3c - 4b। पहले ये निकाल लेता हूँ, 2b मैट्रिक्स है -1 0 2 3 4 1 +3 × a मैट्रिक्स, ये है 2 3 5 7, स्केलर है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -2 0 4 6 8 2, 3 स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 9 15 21, ये ऑर्डर है 2 × 3, ये ऑर्डर है 2 × 2, ऑर्डर तो सेम नहीं है, तो बोलेंगे सिंस ऑर्डर इज नॉट सेम सो एडिशन ऑफ किसका 2b + 3a डज नॉट एग्जिस्ट। एडिशन तो यहाँ लगा हुआ था फिर भी बोल दिया हूँ, या तो एडिशन ऑफ 2b and 3a बोलिए, या फिर एडिशन ना बोल के 2b + 3a डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। ये देखता हूँ कि ये भी एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं, होगा कि नहीं, 3c - 4b, 3c मैट्रिक्स है 1 2 3 2 1 0, -4 b मैट्रिक्स है -1 0 2 3 4 1, हाँ ये तो हो जाएगा, देखिए 2 × 3 है, ये भी 2 × 3 मैट्रिक्स है। नाउ तो स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 × 1 3 6 9 6 3 0, -4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -4 0 8 12 16 4, ऑर्डर सेम है तो हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 3 में से -4 7 6 - 0 6 9 - 8 1 6 - 12 - 6 3 - 16, तो -13 0 - 4 - 4, ये आंसर आ गया, और आंसर यही है ना 161 - 6, हाँ क्वेश्चन नंबर थर्ड भी कंप्लीट हो गया, तो इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन फोर्थ आप खुद से कर लीजिएगा,
सेम जैसे थर्ड अभी तक 1 2 3 करवाया ना, उसी तरह से आप कर लीजिए। खुद से फाइव में देखिए थोड़ा कुछ अलग है ना, ये भी सिंपल, बस इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है। ये ना डायगनल मैट्रिक्स है, डायगनल मैट्रिक्स बताया हूँ, स्क्वायर मैट्रिक्स बताया हूँ, सारा वही सब इंट्रोडक्शन पार्ट वाला कॉन्सेप्ट को ना अच्छे से देख लीजिएगा एक बार। एक्सरसाइज 4.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट का था। तो ये मैट्रिक्स कैसे हो जाएगा, सिर्फ डायगनल एलिमेंट दिया हुआ है। तो डायगनल एलिमेंट क्या है, 2 -5 9, बाकी अब सारा एलिमेंट 0 0 रहेंगे। ये दिया हुआ है बी में 1 1 -4, तो ये 0 0 0 0 0 0। सी दिया हुआ है तो सी में है -6 0 0 0 3 0 0 0 4, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया। तो अब क्वेश्चन फिफ्थ में देखते हैं, इसमें टोटल 3 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर लास्ट ही कर देता हूँ क्योंकि उसमें ज़्यादा कैलकुलेशन है। तो जब थर्ड हो जाएंगे तो फर्स्ट एंड सेकेंड ऑलरेडी आप कर लीजिएगा। अब देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन है जैसे थर्ड में हम लोग किए हैं, सिंपल 2, अब ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देना 2 0 0 0 -5 0 0 0 9 +3 इंटू बी मैट्रिक्स, बी है 1 0 0 0 1 0 0 0 -4 -5 सी, सी मैट्रिक्स है -6 0 0 0 3 0 0 0 4। स्केलर सभी में सभी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो डायगोनल में से मल्टीप्लाई होगा तो 4 0 0 0 -10 0 0 0 18 +3 से मल्टीप्लाई करा 3 0 0 0 3 0 0 0 -12 -5 से मल्टीप्लाई कर, माइनस रहने तो 5 से सिर्फ मल्टीप्लाई करो तो -30 0 0 0 15 0 0 0 20। पहले एडिशन का काम, तो ये दोनों को ऐड करता हूँ तो 4 और 3 7, -10 और 3 -7, 18 और -12 तो 6, बाकी सब 0, ये हो गया क्लियर। 9 माइनस वाला लिख देंगे, -30 0 0 0 15 0 0 0 20। ऑर्डर सेम है इसलिए मैं ऐड कर दिया, यहाँ ऑर्डर सेम है इसलिए मैं सब्ट्रैक्ट भी कर दूंगा। तो 7 --+30 तो 37, फिर 0 0 0, -7 -15 तो -22, 0 0 0, 6 -20 तो -14। अब यही डायगनल है तो इसको मैं इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, डायगनल ऑफ 37 -22 and -14, ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का थर्ड। कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।